अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट वासिफ अली और आप देख रहे हैं क्रिक टेल्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जारी है इस वक्त मैच टीम पाकिस्तान और टीम बांग्लादेश के दरमियान, जहां पर 3 दिन इस मैच के गुजर चुके हैं और अब चौथा दिन आने वाला है। और इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे चौथे दिन के मुतालिक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, वेदर कैसा रहने वाला है चौथे दिन का, मैच जो कि अभी तक इतना अच्छा नहीं हो पा रहा वो अब होगा या नहीं होगा। साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि आईसीसी की जो लेटेस्ट पॉइंट टेबल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की वो क्या है, एंड साथ साथ आप जानेंगे कि मैच का रिजल्ट क्या पाकिस्तान के हक में आ पाएगा और कैसे आ सकता है। तो हर किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो इस मैच के हवाले से हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों इस शॉर्ट से वीडियो के अंदर। तो जल्दी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। जहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस टेस्ट मैच की, तो दूसरा टेस्ट मैच है एज यू नो, पहला मैच जो है वो पाकिस्तान की टीम ने ऑलरेडी जीत रखा है और पाकिस्तान की टीम ने उस मैच के अंदर 8 विकेटों से जीत को अपने नाम किया था। लेकिन सेकंड मैच शुरू हुआ है दोस्तों, और सेकंड मैच जब से शुरू हुआ है तब से बारिश और खराब वेदर ने इस सेकंड मैच का कह लीजिए कि यहाँ पर पीछा नहीं छोड़ा हुआ। पहले दिन के अंदर जो है बस 57 ओवर्स का खेल हुआ, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं दूसरे दिन की तो सिर्फ और सिर्फ 6 ओवर्स के ऊपर का खेल हुआ, और तीसरे दिन के अंदर तो हद ही हो गई, यानी कि एक भी गेंद का खेल नहीं हुआ तीसरे दिन के अंदर, और लगातार बारिश होती रही तीसरे दिन के अंदर, जिसकी वजह से इस मैच की कंडीशन जो है वो दोस्तों अब हमें काफी ज्यादा ग्लूमी दिखाई दे रही है, और ऐसा लग रहा है कि ये मैच अब जो है वो ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अब बचे हैं इस टेस्ट मैच के अंदर 2 दिन, और 2 दिन भी यहां पर आपको बताता चलूं कि कंफर्म नहीं है कि पूरा पूरा खेल जो है वो इन दोनों दिनों के अंदर हो, तो खेल जो है वो अप एंड डाउन होगा। मतलब अगर खराब रोशनी हुई अगले आने वाले दिनों के अंदर तो फिर भी कम ओवर्स का खेल होगा, लेकिन अगर बारिश भी आ जाती है तो फिर भी सिचुएशन जो है वो थोड़ी खराब हो सकती है। तो अब देखते हैं कि बनता है क्या इस दूसरे टेस्ट मैच का, जहां पर बहुत ही जरूरी है ये मैच टीम पाकिस्तान के लिए जीतना, इसलिए जरूरी है क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का सवाल है और पाकिस्तान की टीम इस वक्त नंबर 2 पर मौजूद है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर। जैसा कि आप देख सकते होंगे दोस्तों जहां पर अपनी स्क्रीन के ऊपर के पाकिस्तान की टीम जो है वो नंबर 2 पर मौजूद है, श्रीलंका की टीम नंबर 1 पर मौजूद है, इंडिया की टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को दूसरे टेस्ट मैच के अंदर हराया जिसकी वजह से वो नंबर 3 पर आ चुके हैं अब आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग के अंदर। पहले भी वो नंबर 3 पर थे, अब भी नंबर 3 पर है। पाकिस्तान की टीम जो है वो नंबर 2 पर है, 66% इनकी जीतने की रेशो है। और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो पाकिस्तान की टीम अगर इस मैच को ड्रॉ करती है, मतलब ड्रॉ होता है ये मैच, तो पाकिस्तान की रैंकिंग के ऊपर फर्क पड़ेगा, जो अभी पाकिस्तान की परसेंटेज 66 है वो कम होकर 58 की हो जाएगी, इंडिया के बराबर आ जाएगी टीम पाकिस्तान की परसेंटेज, और यहां पर इंडिया की टीम नंबर 2 पर जा सकती है, पाकिस्तान की टीम नंबर 3 पर रहेगी। तो इस वजह से ये वाला मैच बहुत ही अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान की टीम को अब जीत को फोर्स करना पड़ेगा, कैसे फोर्स करते हैं इसकी भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का हाल है। अब हम बात कर लेते हैं वेदर के हवाले से कि डे नंबर 4 का वेदर कैसा रहने वाला है, क्योंकि वेदर जो है वो बहुत ही अहम कह लीजिए कि सिचुएशन इख्तियार कर गया है। अगर इस मैच के रिजल्ट पॉसिबल करने हैं दोनों ही टीम्स को, तो वेदर को ठीक रहना पड़ेगा। तो दोस्तों वेदर की बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहां पर ये डे नंबर 3 का वेदर था, जहां पर लगातार बारिश हुई और काफी हैवी रेन हुई ड्यू टू इसकी रीजन जो है वो दोस्तों ये है। हालांकि आम दिनों के अंदर दिसंबर में बारिश नहीं होती बांग्लादेश में, लेकिन यहां पर तूफान की वजह से, साइक्लोन की वजह से जो है वो ये सिचुएशन खराब हुई है। अब अगर हम बात कर लेते हैं वेदर की, डे नंबर 4 के वेदर की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं सनी इंटरवल्स एंड लाइट विंड, मतलब ये कहा जा रहा है कि यहां पर सूरज भी निकलेगा बीच में और हवा भी चलेगी। और अगर हम देख लेते हैं बारिश के चांसेस को, तो दोस्तों कल मतलब इस मैच की जब शुरुआत होगी आज के दिन के अंदर डे नंबर 4 की, तो ये मैच अपने टाइम से आधा घंटा पहले शुरू हो जाएगा, क्योंकि 98 ओवर्स करवाने शेड्यूल हैं। तो बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक ये मैच जो है वो दोस्तों 9:30 बजे शुरू हो जाना है, तो 9:30 बजे ये कहा जा रहा है कि 10% बारिश होने के चांसेस हैं। तो अच्छी खबर है दोस्तों, 10% चांसेस इतने ज्यादा नहीं होते। इसी तरह बात कर लेते हैं अगर हम 10 बजे के वेदर की, तो वो 14% बारिश के चांसेस बताए जा रहे हैं। 11 बजे जो है वो दोस्तों 20% बारिश होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। इसी तरह बात की जाए अगर
यहाँ पर वेदर की, 1 बजे के 12 बजे की वेदर की, तो वो भी 20% बारिश के चांसेस हैं, 1 बजे 17% बारिश होने के चांसेस हैं, 2 बजे 13% एंड 3 बजे जो है वो 10% बारिश होने के चांसेस हैं एंड 4 बजे 7%। आपको बताता चलो कि यहाँ पर बारिश होने के चांसेस हैं इस मैच के अंदर। अब तो दोस्तों बारिश जो है वो रंग में भंग डाल रही है इस मैच के हवाले से अगर हम बात कर लेते हैं। रेन की वजह से काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है ये मैच ऑलरेडी जहां पर अगर देखा जाए। उससे अगले दिन का डे नंबर 5 का वेदर, तो दोस्तों बिल्कुल ठीक रहेगा वेदर, कोई किसी किस्म के बारिश होने के चांसेस नहीं है। सुबह 8 बजे से सूरज निकलेगा और शाम को जाकर तो गरूब होगा, तो ये एक अच्छी चीज है। लेकिन हमें सरोकार है डे नंबर 4 से फिलहाल, तो डे नंबर 4 के अंदर हम जो उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों वो ये कर सकते हैं कि यहाँ पर सारे का सारा टाइम बारिश नहीं होगी, अगर बारिश होती भी है तो थोड़ा कम टाइम के लिए होगी और मैच होते हुए हमें दिखाई देगा। तो पाकिस्तानी जो फैंस हैं दोस्तों उनकी जो ख्वाहिश होगी वो ये होगी कि कम से कम इतना मैच हो के बाबर आजम जो कि 71 के स्कोर पर मौजूद हैं, अगर हम स्कोर कार्ड की बात कर लेते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड भी आपके सामने इस वक्त, बाबर आजम आपको दिखाई दे रहे हैं 71 के स्कोर के ऊपर और इनकी सेंचुरी का जो क्रिकेट फैंस हैं वो लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है जब से वेट कर रहे हैं कि टेस्ट मैचेस के अंदर ये सेंचुरी लगाएं और कब जाकर ये टेस्ट मैचेस के अंदर सेंचुरी लगाते हैं। तो दोस्तों ये मौका हो सकता है बाबर आजम के लिए भी अपनी सेंचुरी लगाने का, क्योंकि वो 71 के स्कोर पर हैं, 29 रन की उनको मजीद जरूरत है अपनी सेंचुरी लगाने के लिए। आपके ख्याल से क्या बाबर आजम जो है वो डे नंबर 4 के अंदर अपनी सेंचुरी को लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, ये आपने बताना है। और बाबर की बैटिंग अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक भी करना है आपने जल्दी से। दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि इस मैच का रिजल्ट कैसे आ सकता है, अब तो रिजल्ट की पॉसिबिलिटीज ये है कि रिजल्ट आना अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है इस मैच का, सीधी सी बात है। हाँ, रिजल्ट इसी सूरत में आ सकता है कि डे नंबर 4 के अंदर पूरा खेल हो, यानी कि 98 वर्ष का खेल है तो 95 वर्ष का खेल हो डे नंबर 4 के अंदर एंड डे नंबर 5 के अंदर भी ऐसे ही पूरे दिन का खेल हो, कोई किसी किस्म की इंटरप्शन ना आए, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त ये है दोस्तों कि यहाँ पर पाकिस्तान की टीम जो कि इस वक्त 188 के स्कोर पर मौजूद है, 2 विकेटों को लूज किया हुआ है, उनको तेज क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। तेज मतलब ये कि अभी उनका रन रेट 2-3 के आसपास है, तो उनको अपने रन रेट को बेहतर करके 4 के ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। और डे नंबर 4 के पहले सेशन के अंदर अगर चीजें ठीक रहती हैं तो मैच अपने टाइम पे शुरू होता है, तो इन दोनों प्लेयर्स को बल्कि सारी की सारी पाकिस्तानी टीम को अब तेज क्रिकेट खेलते हुए 100 रन कम से कम पहले सेशन के अंदर लगाने पड़ेंगे और दूसरे सेशन के अंदर भी 50 या उससे ऊपर रन बनाकर। पाकिस्तान की टीम की जो कोशिश होगी दोस्तों ये होगी कि जल्द से जल्द अपने 400 रन को पूरा करें और 400 तक पहुंच जाएं और फिर अपनी इनिंग्स को डिक्लेयर करें। इनिंग्स को डिक्लेयर करने के बाद बांग्लादेश को बैटिंग दें और बांग्लादेश की टीम को फिर 2 दफा आउट करने की कोशिश करें। अब आप भी कह रहे होंगे कि क्या क्रेजी बात कर रहा हूं मैं, मतलब पागलों वाली, लेकिन ये है कि यहाँ पर यही एक सिचुएशन बन रही है, अदरवाइज ड्रॉ के ही चांसेस ज्यादा लग रहे हैं दोस्तों इस मैच के। जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश के प्रोस्पेक्ट से अगर हम देख लेते हैं तो दोस्तों बांग्लादेश की टीम की कोशिश होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये मैच अपने टाइम पे शुरू होता है, वेदर ठीक रहता है, तो पाकिस्तानी बैट्समैनों को फ्रीली रन ना दे वो, एंड सेकेंड नंबर पर उनकी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि खुद जो है वो लंबी बैटिंग करें और 1.5 दिन कम से कम सर्वाइव करें अगर वो इस मैच को बचाना चाहते हैं। अब देखते हैं कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों पहला दिन तो ठीक था, 57 ओवर, दूसरे दिन के अंदर 6 ओवर हुए, तीसरे दिन के अंदर ये गेंद नहीं हुई और चौथे दिन की बात की जाए तो चौथा दिन अब उम्मीद की जा सकती है कि ठीक रहेगा, क्योंकि 20% मैक्सिमम जो है वो बारिश होने के चांसेस हैं और धूप भी कहीं कहीं निकल सकती है, तो ये सबसे बड़ी खबर रहेगी क्योंकि धूप बिल्कुल भी नहीं निकली हुई इस मैच के अंदर जब से ये मैच शुरू हुआ है, 3 दिन हो गए, तो इस वजह से धूप निकलना एक अच्छी बात है और उम्मीद करेंगे कि ये मैच जो है वो अपने टाइम पे शुरू होगा और शायक इनिंग क्रिकेट को एक अच्छी क्रिकेट जो है वो दोस्तों देखने को मिलेगी डे नंबर 4 के अंदर, जहां पर 188 के स्कोर से पाकिस्तान की टीम जो है वो अपनी बैटिंग की शुरुआत करेगी। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि इस मैच का क्या नतीजा आने वाला है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम को कितने रन बनाकर इस इनिंग्स को डिक्लेयर करना चाहिए, ये आपने बता देना है यहां पर कमेंट्स बॉक्स के अंदर, साथ साथ आपने वीडियो को कर देना लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मैच के दिन यानी कि मैच के टाइम सुबह 8 बजे से पहले जो है वो हम लाइव आ जाएंगे, तो तब आप सभी दोस्त सेम चैनल के ऊपर हमें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लाइव कवरेज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अपने होस्ट एंड दोस्त वासिफ अली को दीजिए इजाजत, टेक केयर एंड बाय बाय।